कम बैक टू अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे सुरक्षित होंगे अपना हाल चाल मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो आज है थर्सडे और डेट है आज सिक्सटीन और सिक्सटीन नवंबर और टाइम की अगर बात करें एक बजने में दस मिनट बाकी है वेदर मैंने आपको दिखा दिया बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि दी स्टार्टिंग में जो आप ट्यून लगाते हो और व्यू दिखाते हो वो बहुत मिस हो रहा है तो मैंने कहा चलिए आज अपना ब्लॉग जो है उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया बहुत अच्छा हो रहा है धूप खिल रही है हमारे इलाके में तो धूप है नहीं जैसा आपको पता है तो अभी मैं आपको दिख रही हूँ ऑलमोस्ट रेडी क्योंकि मैं जा रही हूँ आज मार्केट और आज आ, मतलब लवी मेला जो है वो स्टार्ट हो गया है जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल फेयर है लवी फेयर ऑफिशियली जो है वो 11 नवंबर से 14 नवंबर तक तो होता है चार दिन में होता है जिसमें नाइट प्रोग्राम भी होते हैं और बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं सिंगर्स आते हैं और इस बार भी आए थे जस्सी गिल हो गया सलमान अली हो गया बहुत सारे आए थे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक अटेंड नहीं किया है इस बार हमने पूरा पक्का बना लिया था कि हम जाएंगे लेकिन एंड टाइम पे रोहित और दिव्या का थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि बिज़ी थे घर में बहुत ज़्यादा तो उस वजह से फिर मेरा भी कैंसिल हो गया तो मैं नहीं गई हस्बैंड गए थे लास्ट नाइट और चलो नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो लवी फेयर जो है इंटरनेशनल फेयर है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ऑफिशियली चार दिन का रहता है बाकी जो है एक महीने तक चला रहता है तो आज सुजल और मैं जाने वाले हैं रामपुर मतलब सुजल तो पहले ही चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है एक तो मुझे उसकी उसके मतलब उसका जो चश्मा है वो नंबर मिला है उसका बढ़ गया है तो वो बनाना है सेकेंड मुझे एक दवाई भी लेनी है थर्ड मुझे और भी काम है मतलब बहुत सारे काम है सूजल के आधे से ज़्यादा काम है उसको कुछ शॉपिंग करनी है क्योंकि जाना है वापस हॉस्टल छुट्टियां जो है वो खत्म हो रही है उसकी तो वो निकल गया पहले ही उसने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूं उतनी देर लवी में घूमता हूं तो मैंने कहा चल ठीक है वो सुबह निकल गया था ग्यारह बजे के करीब और मैं अभी तैयार हो रही हूं मेरे साथ एक मेरी देवरानी भी जाने वाली है अब पता नहीं साथ में ही जाएगी या वहां जाकर मुझे मिलेगी क्योंकि वो भी गई है अभी ड्यूटी तो वो दो ढाई बजे के बाद आएगी तो मैंने कहा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते और आज मैंने ना ये पतला सा सूट पहना है ये मैंने लिया था जब निर्वाण का बर्थडे था ना तब मैंने ये लिया था तो मैंने कहा चल पड़ेगा धूप है वॉर्मर के साथ चल पड़ता ही है तो मैंने ये डाला है इसका बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है ये देखो तो बस थोड़े से काम रह गए हैं आई लाइनर मैंने लगा दिया है मैंने कहा चलो फटाफट से जो है रेडी हो जाती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ नहीं तो फिर रह जाती है चलो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ फटाफट तो लीजिए मैं रेडी हो चुकी हूँ बस अब निकलती हूँ थोड़ी देर में और आज मैंने इतना प्यारा सा शेड लगाया है आप लोग ने बहुत सारे कमेंट करते हो मेरे लिप शेड को लेकर कि मोनिका आप कौन से लिपस्टिक लगाते हो शेयर करना तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मुझे लगता है ना लिप कलर्स जो है ना वो सभी लेडीज़ के फेवरेट होते हो कोई भी ऐसा नहीं है जिसे लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है लेकिन क्या रहता है डेली बेसिस पे अगर हम लिपस्टिक यूज़ करते हैं मैट लिपस्टिक्स तो हमें डर रहता है कि हमारे लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं रफ़ हो जाते हैं तो आज मैं ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए कि आप बोलोगे कि मैजिक है क्योंकि जिसने यूज़ किया है ना भाई 93% थ्री परसेंट वुमेंस ने इसके एप्लीकेशन के बाद यह बोला है कि इसके बाद लिप्स जो है ना एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर लॉक वाली लिपस्टिक है तो जी हाँ मैं बात कर रही हूँ ममार्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड वाइटामिन ई तो एवोकाडो ऑयल जो है ना ये हेल्प करता है मॉइस्चराइज मौशे, करने में हमारे लिप्स को और वाइटामिन ई e जो है वो पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करती है और बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इसकी एप्लीकेशन तो है इसमें से जो मेरा फेवरेट शेड है ना वो मैं आपको यहाँ लगा कर दिखा रही हूँ और बाकी के जो शेड है वो भी मैं आपको लगा कर दिखा दूँगी कि, कि किस तरीके के ये लगते हैं और ये लिपस्टिक जो है ना ये स्मज प्रूफ है कम्फर्टेबल वेयर है एकदम आपको लगा कर बिल्कुल नहीं लगता है कि आपने कुछ वेयर किया हुआ है एकदम लाइट वेट फॉर्मूला है डेमाटोलॉजिकली टेस्टेड है और मॉइस्चर लॉक करती है एट आवर्स तक तो है ना मजे की बात आपके लिप्स जो है एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं मेड सेफ है और 12 आवर तक लॉन्ग स्टे करती है ये तो लिप्स, लिप्स का लिंक आप लोगों के लिए दे दिया है I मैंने mean, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा और ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट नाइका पर्पल और ममार्ट डॉट इन पर मिल जाएगा अगर आप इसे ममार्थ की वेबसाइट से लेते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा ट्वेंटी डिस्काउंट मिल जाएगा मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिया है और जब भी आप ममार्ट डॉट इन से कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना तो वो आपके प्रोडक्ट को लिंक करते हैं एक ट्री के साथ उस ट्री को प्लांट करके उसके पिक्चर्स ही आपके साथ शेयर करते हैं और ममार्ट जो है इंडियन ब्रांड है जैसा आप सभी को पता है प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल भी करते हैं और ममार्थ की एक ऑफिशियल ऐप भी है अगर आप उसका कार्लियर एक्सेस पाना चाहते हैं तो आप उसके यूज़र बन सकते हैं और आपके नजदीकी में आपने ममार्थ का कौन सा स्टोर देखा है कमेंट करके जरूर मैं बताइए ना कि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी लेकिन फिर मुझे लगा कि शाम आते आते जो है ठंड लग ही जाती है गलत है ना मुझे पूरे डेढ़ बज चुके हैं और अब पता नहीं मुझे कोई बस भी मिलेगी कि नहीं कोई पता नहीं है क्योंकि बसेस का बड़ा हो रहता है चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं पहुँचते हैं फटाफट तो जी लीजिए मैं पहुंच चुकी हूँ लवे मेला 2023 में और ये ना मैं आपको ग्राउंड में आकर दिखा रही हूँ क्योंकि बस जो है वो मुझे एकदम से मिल गई थी और यहीं तक मिल गई थी वैसे मैं यहाँ नहीं आने वाली थी आज क्योंकि मुझे बाजार में काम था तो लेकिन सूजल ने बोला मम्मा इधर को आ जाओ बस यहीं आएगी तो फिर ना मुझे यहीं उतार दिया था बस वाले ने मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं आ, दिखा देती हूँ अभी कुछ खास शॉप्स है नहीं इस बार ना शॉप्स बहुत कम लगी है ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगी थी इस वजह से स्टॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिके नहीं है और कुछ कुछ शॉप जो है ना अभी लगी रही है तो भाई एक चक्कर मैंने काटा पूरे ग्राउंड का तो नहीं लेकिन हल्का सा मेन उससे एक चक्कर काटा और उसके बाद ना जोरों की लग गई थी भूख क्योंकि लंच का हो गया था टाइम तो मैंने कहा चलिए आ जाते हैं फटाफट से यहाँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर जो है ना कुल्लू और मंडी से आते हैं मक्की की रोटी बनाते हैं कोदे की रोटी बनाते हैं और सरसों का साग जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना तो यहाँ पर मैंने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूँ फटाफट से आगे भूख लग रही थी सुजल और मुझे तो हम लोगों ने खाई मक्की की रोटी और सरसों का साग उसके बाद ये है कि नौरी मार्केट मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ अब आऊँगी तो आऊँगी मतलब लास्ट लास्ट में मैं आऊँगी अभी तो नहीं आ पाऊँगी मैंने कहा चलो जब आई हूँ तो सुजल ने बोला था कि ममा मैं देख लेता हूँ तो वो झूले वगैरह वो पहले ही झूल गया था मेरे आने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ तो बस अभी थोड़ा बहुत उसने यहाँ पर सामान लिया है और ये है किनौरी मार्केट यहाँ पर ना मैं आपको बताती हुई चल रही थी लेकिन आ, कैमरा मोबाइल जो है वो सुजल के हाथ में था तो आवाज़ जो है बिल्कुल ब्लर सी थी और बिल्कुल कम आ रही थी रुक रुक के तो मैंने वॉइस ओवर दिया है ये किनौर की मार्केट है और यहाँ पर आपको कुल सॉरी शॉल पट्टू और मतलब हाथ से बनी काफ़ी चीज़ें मिलेगी स्वेटर्स वगैरह और पट्टी होती है जो ऊन से बनती है वो और सेब और ड्राई फ्रूट्स जो किन्नौर के रहते हैं वो और सेब भी है अखरोट दालें वग़ैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती है तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर रोड पर और नीचे पूरे ग्राउंड में मेला लगा है और यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ तो इस बार जो है ना मतलब उतना रश अभी तक नहीं है और मतलब लास्ट ईयर तक इस टाइम तक बहुत ज़्यादा रश हो जाता था तो बस अब एंड एंड में बहुत ज़्यादा रश होता है और ये रोड है मतलब जो मेन रोड है रामपुर का उसमें जो शॉप्स लगती है दोनों तरफ ये भी आप देख सकते हैं मतलब कम ही लगी है इस बार ऐसा उम... शायद अब लगती हों क्या पता ना भी लगे कोई पता नहीं है तो मैंने देखा इस बार जो है ना खाली खाली सा लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं था तो इस तरीके की शॉप्स जो होती है ना मेले में वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सभी को है ना जहाँ पर क्रॉकरी मिलती है और बर्तन मिलते हैं तो बस मैं देखते देखते चल रही थी और सुजल ने थोड़ा बहुत शूट किया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कुछ शॉप्स जो है ना वो अभी खुल रही है मतलब अच्छे से खुली नहीं है तो अभी स्टॉल्स जो हैं बना रहे हैं तो बस यहीं तक था ये मेला देखिए ढीला ढाला सही है कुछ इस बार और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना तो मैं आपको ज़रूर खाऊंगी तो अभी हम फटाफट निकलते हैं यहाँ से मार्केट के लिए और जो रामपुर मेन बाज़ार है वहाँ और वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना है और उसके बाद सुजल के काम है आज तो जी हम लोग आए हैं अभी इधर सुजल की तो सुजल को जो नंबर दिया था ना उसके फ्रेम्स बनवा रहे हैं फ्रेम भी नई ली है और जो लेंस है वो तो खैर चेंज हुआ है तो बस वो अंदर दे रखे हैं और लवी तो आपने देख ही ली थोड़ी थोड़ी हेलो गुड इवनिंग एवरी ये देखिए वक्त आठ बजे का हो गया है और पहले लाइट बंद कर लूँ इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है ना भाई अब तो मन करता है कि बिस्तर में घुस जाए इस बिस्तर में घुस गया है सूजल आते ही क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मैं क्या बताऊँ आपको और <coughs> मैं घुस गई इधर मैंने ना सीधे रज़ाई ले ली थी मैंने अभी हीटर जो है वो चालू नहीं किया है क्योंकि हीटर की कंडीशन मतलब वो हो चुकी है यहाँ पर अभी मतलब हीटर लायक ठंड हो चुकी है हीटर मैंने इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि अगर एक बार हीटर का वो लग जाए ना सेकने की आदत लग जाए ना फिर बंदा जो है कुछ काम नहीं कर सकता यहाँ पर ये बहुत दिक्कत रहती है सर्दी में तो जैसे ही आई एक तो आज मैं पतले से कपड़े पहन कर गई थी दिन में तो बहुत तेज धूप थी लेकिन मुझे फिर भी ठंड लगी रही थी हल्की हल्की सी <kuh> जैसे ही धूप गई ना और बाज़ार में गए इसका चश्मा बनाया उसके बाद वो जो मेरी देवरानी थी Uh, मैंने आपको नहीं दिखाया हाँ उसके बाद मेरी वो देवरानी आ गई थी फिर उसने थोड़ा बहुत सामान लिया फिर हम लोग आ गए और अभी मैं खाना खा के फ्री हुई हूँ मैंने कहा पहले मैं गर्मा गर्म कड़ी में बना के गई थी और मैंने चावल बनाए दोपहर तो को बना के गई थी लेकिन हस्बैंड ने खाना नहीं खाया मैं और सुजल तो मार्केट uh, में थे तो हम लोगों ने वहीं खा लिया था तो अभी मैंने चावल बनाए गर्मा गर्म कड़ी चावल खाए और अभी लगा कुछ फिर मैंने कपड़े चेंज किए गर्म वाला सूट पहना और यहाँ पर घुस गई इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है तो अभी मैं बाहर खड़ी थी मम्मी पापा के साथ बात कर रही थी सास ससुर के साथ तो बस इतनी ज़्यादा ठंड लगी ना मैंने कहा पहले मैं रज़ाई में घुस जाती हूँ और गीज़र ऑन कर दिया है क्योंकि बर्तन वगैरह धोने को हो गया सूजल ने पता नहीं क्या ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया तो इसने पूरी किचन इतनी गंदी कर दी ना मैं क्या बताऊँ जब मैं सोचती हूँ आज मुझे कुछ नहीं करना है बच्चे कुछ ना कुछ कर ही देते हैं और लावण्य के बारे में मैंने आपको नहीं बताया लावण्या जो है वो गई है अपनी नानी के घर क्योंकि उसके नानू डेली आते हैं यहाँ प्लॉट पे काम चलाए तो पापा आते हैं डेली मतलब कई बार दो दिन के बाद भी आते हैं तो पापा कब से बोल रहे थे कि लावण्या की छुट्टी हो गई हो गई तो बस कल छुट्टी होगी लावण्या की परसों और नानू जो है उसको लेकर गए उसके तो वो भी खुश रहती है मम्मी पापा अकेले हैं ना क्योंकि दिव्या चली गई है शिमला कुछ टाइम के लिए तो पहले वो घर पर ही थी तो मम्मी की तबीयत भी ऐसी रहती है फिर उसके साथ उलझे रहते हैं इसलिए उसे ले जाते हैं तो वो वहाँ पर है और हम लोग जो है यहाँ पर है तो अब थोड़ी देर हाथ पैर गर्म करती हूँ और गीज़र में जब पानी गर्म होगा तब जाके बर्तन दूँ